Yes, Sadhana, you are telling something new. Yes, sir. Please tell me. Sir, two questions are doubt. Yes, sir. Question number 11 and 15. Question number 11. Yes, sir. 11 or 15. Which number of AP can be converted to more than 54 terms? AP is given. What is the question? Question number 11. That is simple. 3, 15, 27, 39, 80 is given. A is 3. And what is B here? 12. And A54 term is A plus 53 T. Is my now A is 33. So 3 plus 53 into 12. How much? How much? 639. 54 term is 639. And what term of Nikalo, you will say, what are 132 more than the 54th term? It means 639 plus 132. How much? 9 plus 11, 3, 3, 6, 7, 6 plus 7. Seven, seven, one. What is the question is? In this AP, 771, Kaunchi term will be? AN is equal to 771. What does it mean? 65. So, you are present? Yes, sir. Sadhana, very simple question. Is there 132 more than the 54th term? So, I have 54 term nikala. And then, it has 132 more term kiya. Then, 771 is Kaunchi number ki term hai is 80. That is the question. Very simple. AN is equal to 771. Or, Kaunchi number of question, please tell me which question? 15. 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
For what value of n are the energy of 2 ATPs equal? What is this regard? 8 ATPs, 63, 65, 67, and 4. 8 ATPs, 310, 70, and 2. दोनों की एनर्जी में इक्वल है वही तो वैल्यू पैल उसने तो पूरे दिया हुआ है क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर इन दिस एटी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए नो वन नो ए की वैल्यू कितनी है इस एटी 63 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी डी बीच में 65 अच्छा बी की वैल्यू 65 No. 65 minus 63 how much? 2. And in this case, A is how much? 3. And D is how much? 7. आप एनर्जी निकालो, एनर्जी निकालो इसे क्या? A plus N minus 1 into D, D is 2. This is also equal. 3 plus N minus 1 into 7. दोनों की इलेक्ट्रॉन इक्वल है. इसकी इलेक्ट्रॉन और ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, इसकी ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन जो ए का है एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते. सर ये इक्वेशन कैसे बने? प्लस टू एन माइनस थ्री
3 plus 7 and minus 8. What do you want to do? सर ये इक्वेशन कैसे बनी बेटा? एन का क्या होता है? एन का क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन बी होता है ना? यस सर। तो पहली एक की क्या आ गया ना? यस सर। इससे ए प्लस एन माइनस वन बी है ना? यस सर। अच्छा दूसरी एक की कौन सी है ना? यस सर। इससे ए प्लस एन माइनस वन बी के बारे में यस सर। दोनों इक्वल है ना? क्वेश्चन बोला है ना एंड तुम दोनों इक्वल है? यस सर समझ में आ गया। तो इक्वल हो गया एंड नहीं कर सकते इसे? यस सर अब हो जाए। ओके वेरी सिंपल। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज टेल मी। एनी अदर क्वेश्चन? एंड नाउ आई थिंक यू पीपल कैन डू दिस 5.2 एक्सरसाइज। यू पीपल कैन डू दिस 5.2 एक्सरसाइज। Any problem if you are having, please ask from me. I can solve the question. Okay. I am writing a standard AP. And the standard AP, I am writing like this. A plus B, second term. A plus 2B, part of one by two. And so, last command by two, last command by two, A plus, and from one by two, and minus 1 will be, this is last command. Or is it parallel? What the most of the word are they? I'm telling you, A plus B, second term and by two. Third term and by two. And so, it's a parallelogram term. A plus and minus 2 into B. And I may be other names, sorry, terms, but some term. And I take the sum of these terms, extended it here. उसकी n टर्म्स का सम मैंने sn लिखा, यानी आई प्लस साइन इंडिपेंडेंट टर्म्स। टेल मी यू अंडरस्टूड दिस वन? सम ऑफ n टर्म्स, स्टैंडर्ड एपी का n टर्म्स का सम लिखा मैंने sn। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन? पहली टर्म एरिया, देन इक्वल्स बी, देन इक्वल्स टू। और लास्ट वाली टर्म जो एंड टर्म होगी वो ए प्लस एन माइनस वन होगी। इससे पहले वाली टर्म भी मैंने एक लिखा है ए प्लस एन माइनस टू इंटू बी। राइट सर? राइट सर? हेलो सर। यस सर। यस सर। ओके। आई वांट टू आस्क एस एन इन डिफरेंट। एक क्वेश्चन मैंने 5.2 एक्सरसाइज में किया था कि हम इसे दिस एपी कर के इतने डिफरेंट बस बंद कर दो। ये मिलाना का जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए प्लस थैंक यू। अच्छा ये भी है इसी तरह से जो हम खाने में का एक साइड बर्थडे बच्चे का चाय के लिए। See, we have done one question there in 5.2 exercise. और मैंने उस एपी को अलग वे में लिखा था, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म, देन सो। कैन एनीवन कैन टेल कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या होगी अगर लास्ट टर्म को मैंने लास्ट टर्म को लिखा एन डी एन माइनस वन डी। राइट सर? व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? एनीवन कैन टेल ए प्लस एन माइनस टू डी। एन माइनस टू डी टू प्लस पार्टनर बता सकते हो? ए प्लस एन माइनस थ्री डी प्लस फोर। और ये सेकंड टर्म मैंने बताओ, ये सेकंड टर्म मैंने यहाँ पे थी ए प्लस डी और यहाँ क्या रखा थे?
clear understood this one, whatever I have written. Please tell me, all of you understood? Yes, sir. Any problem? Any problem here? SL code two ways mein likha. Pehle seedha likha, phir khulta. Nothing I have done here. Nothing I have done here. SL code likha, seedhe mein, phir ulte. Aur phir humne iska samjha. मेरे को एक बात बताइए, प्लीज चलती वन थिंग, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स एंड टर्म्स, और इसमें भी कितनी टर्म्स है एंड टर्म्स है, भाई एपी तो सेम है ना दोनों में, एपी सेम इन बोथ द केसेस, एपी सेम, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ लास्ट पर फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म इनको बोल सेकंड टर्म में लास्ट टर्म बोल थर्ड टर्म में ऐसे ऐड कर प्लीज ऐड दिस दिस पर इग्नोर कर दो मैं टू मेक वर्क्स एंड नाउ ए प्लस बी क्या हो गई ए प्लस बी कर दो आप इसको इसको ऐड करो ए प्लस बी आप इसको फॉलो करो ये भी इन दोनों को ऐड करो और इनको भी ऐड करो तो क्या आएगा आप अपने ऐड करके देखिए एंड सो इन दोनों को भी ऐड करो तो क्या आएगा एंड मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म को ऐड किया ऐसे करके ऐड ऐड करके मैंने ये टर्म लिख दिया आई हैव रिटन दिस टर्म्स अप टू हियर एनी प्रॉब्लम प्लीज Tell me any problem. Please tell me any problem here. No, sir, no problem. I am asking one question. I am asking one question here. ये जो count आ गया, this, ये कितनी है? How many? Any होगी? भाई जब हमने एन टर्म का कंपेयर तो ये भी कितनी आएंगे एन ही आएगी यस सर एन टर्म यानी कि वो सारी की सारी क्या है सेम ये सब का सम क्यों हो गया यानी मैंने यू एस में एन इनटू आर एन एन अरे इनका सम कितना हो रहा है भाई एक टर्म कितनी टाइम्स सम हो रही है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो राइट ए प्लस ए मीन थ्री टाइम तो थ्री ए कर देंगे ना लाइक दैट ये सेम टर्म एन टाइम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई टू देन व्हाट इज एस इन इस टू में कर लेता हूं मैं एन बाय टू ए प्लस एन माइनस टू इज अ ग्रेट फार्मूला For finding out the sum of the n terms of an AP. AP की n terms का sum कितना होगा? ये formula drive किया है मैंने. See, I have written the AP और मैंने एक formula develop कर दिया. SN is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into t. Please tell me, all of you understood this one? Please write this derivation. This derivation is very important. This derivation is very important. Sir, ये derivation आ सकता है example? क्यों नहीं आ सकता? बेटे anything can be asked.
I have derived this formula as n is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This derivation is given in your LCM. Noted, sir. Okay, all of you understood this one? Yes, sir. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is a great formula for sum of n terms of an AP. AP ki n terms of sum. I have it this one. Rock kar do. Yes, sir. I drive this formula. I drive the formula as soon as possible. N by 2 into 2a plus n minus 1. Yes, sir, what do we have to do? Para formula we have n to a plus n minus 1 into a. Yeah, n has come here, yeah, s in here. Sum of n. Two formula derivations we have already done. I want to play with this formula. Xn value formula is a later. Xn is n by 2a over a plus a plus n minus 1. Can I write this formula like this? Yes, sir. Okay. Tell me what is this? A n. This is a n. So S n is going to be n by 2 into a plus a n. Right, sir? A plus a n होगा ना? Yes, sir. अब मैं इस a n को मैं l मान लेता हूँ. Let it be the last one. L means last one. A is the first one. तो जो एसएन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एसएन एन इनटू ए प्लस एल अपॉन इज अ ग्रेट फार्मूला इज आल्सो वन ऑफ द फार्मूला दैट इज फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज गिवन एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज गिवन यू कैन फाइंड आउट एसएन डायरेक्टली ए प्लस एल एन इनटू ए प्लस एल अपॉन 2 I have derived this formula. See, Sn is equal to n into a plus l upon 2. Noted, sir. You understood or not this one? This whole formula must be used in AP. AP mein ye sare formula used hote. Now I am coming to 5.3 exercise. Question number 1, 2, 3. Very important. I will not take all of the questions. I will take one or two parts from all. And you have to solve all questions. First, second, third questions ko sabko solve karna hai, sabko copy pe karna hai. Find out some of the following AP. I am telling taking one question minus 37, minus 33, minus 29. ये कहाँ पर है? 12. ये 12 terms हैं, 12 terms हैं. You have to find out the sum. इन सारी AP का 10 terms तक आपको sum निकालना है. What is A here? Anyone can tell me what is A? Anyone can tell me what is B? B kitna hai? A is minus 37. Pehli term minus 37. Minus 4? Pagal ho gayi. Minus 33. Minus 37.
माइनस 33 प्लस 37 इज 4 और माइनस 4 बेटा राइट ये प्लस माइनस का एकदम मिस्टेक नहीं करना इफ यू डू दिस प्लस माइनस मिस्टेक योर होल क्वेश्चन विल बिकम नो Now you have to find out how many n square terms there as 12 you have to find. As 12 matlab sum of 12 terms. This AP ke 12 terms ka hai. N by 2, 12 upon 2, n upon 2, 2a, 2 into minus 37, plus n minus 1, 12 minus 1, 11, into e, e matlab 4. N minus 2. N minus 1 will how much? 11. This will come 6 into minus 37 plus we will do this addition first. 6 into it will come in minus and it will become the sum will become minus 180. Can you do this? I have learned this formula as n upon 2, 2a plus n minus 1 into 2a plus n minus 1 into. I have formula as 12. As 12 here I have formula. So I think you can do all our questions. Given in question number 1. So fourth wala. Huh? Fourth wala bata dijiye. Okay. You have noted this one? Yes, sir. I'm going to the fourth part. This is AP. बोला ही है कि इसमें एपी आपको फाइंड आउट करने के लिए है इज इट एपी और नो नो इसने बोला ही है पहले ये एपी है 1 upon 10 4 एस 11 क्या प्रॉब्लम हुआ इसमें पहले ए की वैल्यू बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी निकालो 1 upon 12 माइनस सेकेंड में से फर्स्ट नंबर समझे एलसीएम इज डी वैल्यू इज 1 upon 60 राइट सर अरे समझे नहीं यस सर बड़ी हम फॉर्मूला पर एसएम एन बाय टू इनटू टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू टी I will find out as 11. 11 terms का सब कुछ आपने 11 upon 2 2a 1 upon 15 and minus 1 10 हो गया 11 minus 1 कितना होगा 10 into d 2 upon 15 11 upon 2 power d is this is 2 upon 15 this is 1 upon 6 We do the calculation, 11 upon 2, 2 upon 15, plus 1 upon 6. Take LCM, 4 plus 5, 11 upon 2. 11 upon 2 is 2, 9 upon 13. The sum will come 33 upon 20. Please do this calculation. Is it correct or not? Manali, tell me. Vinisha, tell. Yes, sir. Correct? Sir, yes, sir.
33 upon 20. Is 33 upon 20. Now you people can do all of the questions in this. Question number 1. Question 1, number 1 में सारे questions कर सकते हैं ना? Yes, sir. I'm coming to question number 2 now. Find the sum of the given terms. I will take the third part. How I will do? Tell me. Anyone, Melvin? Can you apply the formula directly, Melvin Victor? He is not in the class, I think. Ipsita, you are not having mic. Can you do this question directly? You apply the formula SN and then you can solve it. Manvi Jain, you are in the class, Manvi? Yes, sir. Can you solve this question? What is A here? Minus 5. Minus. What is D? Anyone can tell me D? Minus X plus 5 is here. Minus 3. Minus. Right, sir? Yes, sir. Therefore, SN formula will be, SN formula if we are applied. SN will be N by 2 into A plus N minus 1 into D. हमें A मालूम है, D मालूम, N मालूम, N कैसे मालूम होगा? मालूम है क्या है? ये टर्म्स कितनी है? We don't know. So directly we cannot find out. देखो पहले मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूंगा An के और N फाइंड आउट करूंगा. An क्या है यहाँ पे लास्ट टर्म क्या बेटे? माइनस टू. An इज हाउ मच? Minus 2 30 and apply the formula to first exercise we have minus 2 30 an is equal to a plus n minus 1 into d is how much? Aap pehle n find out kariye us formula se an is equal to a plus n minus 1 into d. Find out n here. A plus 5 idhar aa jayega minus 2 25 minus 3n plus 3. 3n is equal to 228. N is equal to 76. I have found out how many terms are there? 76 terms are there. Now, I have to sum the formula. I have to sum it. How many? 76. So, I have to find out S is 76. S 76 upon 2. Then value 76 upon 2 upon A minus 5 plus 75 into minus 3. Please solve it. 38 into minus 5. Minus
38 into minus. Please find out the answer of this question and tell. Please find out the answer. 38 into minus 230. 38 into minus 230. Manali, please tell. Alisha? Yes, sir. Tell, beta. -8930 is correct, you know? Answer should come in minus only, but how much? Is it correct? Okay. Ritika, Abdul, this answer -8930. Then -8930. Okay, this is the sum of 76 terms. So, aise questions ko aap directly nahi kar sakte, beta. You cannot do directly. Aapko pehle L nikalna padega. Uske baad us formula mein, dusre formula mein aapko rakhna padega. Now you can do question number 2, all questions. Yes, sir. Question number 2, sub questions kar do ya koi batao koi aisa question ho jo aapko karna. If you have a problem in this, that question. Okay, you do this 5.3 exercise, question number 1 and 2. Okay? All questions you please do this exercise. And I will take one or two classes in mathematics also, so that I will complete the exercise.